सगी मां द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार के लिए 20 लाख रुपए में बेचने के मामले में शुक्रवार को शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। बालिका को जिस अड्डे पर बेचा गया था, पुलिस को वहां दो तलघर और एक सुरंग मिली। पुलिस ने यहां से बदनापुर ग्वालियर निवासी मंगेश महेंद्र फुल सिंह छारी, भीलवाड़ा निवासी कुल्ली कंजर और राजकमल कंजर को गिरफ्तार किया, जबकि मंगेश की पत्नी रीना फरार बताई जा रही है। पीड़िता द्वारा लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद ही पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। पीड़िता के बयान पर गहनता से कार्य करते हुए शुक्रवार को पुलिस रेड लाइट एरिया में इस अड्डे पर पहुंच गई। ये अड्डा मंगेश ही चलाता था। पुलिस को देखते ही परिसर में हड़कंप मच गया। इस अड्डे में दो तलघर मिले जहां देह व्यापार के लिए खरीदी और लाई गई लड़कियों को छुपा कर रखा जाता था। यही उनसे देह व्यापार भी कराया जाता था। अधिक तलाशी में पुलिस को एक सुरंग का भी पता चला, जहां से छापेमारी के दौरान आरोपी भागकर अक्सर गिरफ्तारी से बच जाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि मंगेश पीड़िता से जबरन देह व्यापार कराता था। आरोपियों में शामिल राजकमल मुख्य रूप से दलाल है, वह लड़कियों का सौदा करवाता था। पीड़िता की मां ने सबसे पहले राजकमल से ही संपर्क किया था। इसके बाद राजकमल ने 20 लाख रुपए में पीड़िता का सौदा करके कुल्ली को बेच दिया था। कुल्ली ने उसे मंगेश के अड्डे पर भेज दिया, जहां पीड़िता से देह व्यापार कराया जाता था। इस पूरे मामले में मंगेश की पत्नी रीना भी शामिल है। हालांकि छापेमारी के दौरान रीना मौके पर न होने से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन उसे फरार घोषित कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पुलिस और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि देह व्यापार के लिए उसकी खरीद फरोख्त की गई। उसकी मां ने उसे चौथी बार 20 लाख रुपए में बेचा था। इसके पहले उसे 2017 में एक रिश्तेदार को बेचा गया था। उसका रिश्तेदार पीड़िता को मुंबई में डांस बार ले गया, लेकिन काम की इच्छा न देखते हुए उसे गांव वापस छोड़ दिया गया था। 2020 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीला इथे आणलं होतं, तिला 20 लाख रुपयात विकत घेतलं गेलं होतं आणि तिच्याकडून जबरदस्तीने देह वापर करून तिच्या आलेल्या मिळकतीवर इतर दलाल लोक आपली उपजीविका करीत होते। परंतु ती मुलगी अल्पवयीन मुलगी या व्यवसायाकरता तयार नव्हती म्हणून एका ग्राहकाच्या मदतीने ती इथून पळून गेली, पुनश्च आपल्या गावी गेली, पण गावीसुद्धा तिची पुनश्च विक्री केल्या जात होती अशी तिला माहिती मिळाल्याने ती परत पळून नागपूरला आली आणि पोलीस स्टेशनला येऊन आम्हाला तक्रार दिली। त्या तक्रारीनुसार विविध कलमान्वयेत गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। अल्पवयीन मुलीस पीडित मुलीस जेव्हा आम्ही इथे आणले त्यावेळेस तिने आम्हाला सांगितले की घटनास्थळ करताना की या ठिकाणी आम्हाला लपवल्या जात होतं, ते भुयार आता बंद आहेत, आम्ही ते भुयार खोदून काढले। त्यामध्ये आम्हाला असे आढळले की खालच्या मजल्यावर जे तळघर आहे त्या तळघरात एकूण 10 ते 12 मुली लपवल्या जात होत्या आणि वरच्या मजल्यावर भिंतीच्या आत जे भुयार आहेत त्यामध्ये 2 ते 3 ते 4 मुली लपवल्या जात होत्या। जो जेव्हा पोलिसची रेड व्हायची तेव्हा त्या मुलींना तिथे लपवल्या जात होतं आणि पोलिसची रेड झाल्यावर पुन्हा त्यांना बाहेर काढून त्यांच्याकडून पुनश्च जसे ते व्यवसाय केला जात होता अशा प्रकारचे भीषण वास्तव या तपासादरम्यान उघड। आमचा पुढचा तपास सुरू आहे, त्या पुढील तपासात जसं निष्पन्न येईल त्यावर आपल्याला सांगायचं।